सत्संग जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज के इस वीडियो के माध्यम से दास आप जी के चरणों में एक कहानी प्रस्तुत कर रहा है, जिसमें कोई गलती त्रुटि हो तो नादान बच्चा समझकर क्षमा करना। एक बार कोई आदमी किसी गली से गुजर रहा था तो उसे एक मकान से लड़ाई झगड़े की आवाज सुनाई दी। वह रुक गया और उन्हें समझाने के इरादे से उस मकान में चला गया। देखा कि पति और पत्नी क्रोध में लड़ रहे हैं। इस इंसान ने पूछा कि आप लोग क्यों लड़ रहे हैं? पति बोला, मैं अपने लड़के को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, लेकिन यह मेरी पत्नी इसमें अड़चन डाल रही है। यह इस बात पर अड़ी है कि बेटे को वकील बनाना है। उस इंसान ने कहा, इसमें झगड़े वाली बात क्या है? आप बेटे को बुलाकर उसी से पूछ ले कि वह क्या बनना चाहता है। हो सकता है वह डॉक्टर या वकील दोनों ही न बनना चाहता हो, बल्कि कोई व्यापारी या इंजीनियर बनना चाहता हो। हो सकता है कि वह आपको न बताना चाहता हो। उसे बुलाओ, मैं उससे पूछ लेता हूँ। यह सुनकर पति पत्नी दोनों चुप हो गए। जब उस इंसान ने लड़के को बुलाने के लिए फिर कहा तो पति बोला, जी लड़का तो अभी पैदा नहीं हुआ है। कहने का भाव कि आज के कथित धार्मिक लोग प्रभु ईश्वर के नाम पर एक दूसरे को नीचा दिखाने, एक दूसरे को मार काटने के लिए हरदम तैयार रहते हैं, लेकिन इस प्रभु ईश्वर को अपने हृदय में उन्होंने जन्म ही नहीं दिया है। जब हम इसे अपने हृदय में जन्म दे लेंगे, जीवन में उतार लेंगे, तो फिर कोई कारण ही नहीं रह जाएगा कि हम एक दूसरे को पराया माने, एक दूसरे को बेगाना माने अथवा एक दूसरे को नीचा दिखाने का यत्न करें। ये सारे लड़ाई झगड़े, कलह और अशांति तभी तक है जब तक हमारे हृदय में निराकार ब्रह्म का निवास नहीं होता। हमें ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, हमारा नाता इस प्रभु परमात्मा से नहीं जुड़ता। इसके लिए जीवन में उतरते ही सारा संसार सुखमय हो जाता है और सभी और खुशियाँ ही खुशियाँ हो जाती है। सत्संग जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।